हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज ये ब्लॉग होने वाला है बुक से रिलेटेड, टोडलर्स के बुक और 10 इयर्स के अंडर बुक के हैं सारे, मैं मोस्टली इसमें टोडलर्स के हैं, तो अगर आपके घर में भी टोडलर है तो आप देख सकते हो। ये बुक्स मैंने ऑर्डर किए थे, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाए मैंने, ये एक बुक कबीज करके है, तो वो वहाँ से मंगाया। अगर आपको भी ना लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी, इनका लिंक ना व्हाट्सएप का होता है और वो वहाँ पे ऐड करते हैं और एवरीडे वहाँ पे पोस्टिंग होती है, वहाँ से आप कुछ भी लेना चाहो तो आप ब्लॉक करके और रख सकते हो और मंथली मंगवा सकते हो उनसे बुक्स। तो वहाँ से मैंने लिए हैं, अच्छी कॉस्ट में पड़ी मुझे, काफ़ी सारे मंगाए मैंने और अभी भी मेरा कार्ट वहाँ पर ऑन ही है। मैं नेक्स्ट मंथ के लिए भी कुछ और ऐड करके रखी हूँ, वो नेक्स्ट मंथ में आएंगी, तो अभी ये वाले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, होप सो आपको कुछ हेल्प मिले। तो ये बुक्स में सबसे फेवरेट जो है मेरे बेटे का ये वाला था सफारी, बिकॉज ही लव्स एनिमल, तो उसको ये वाली बुक चाहिए थी, मैंने उसको पूछा भी था तो उसने कहा ये चाहिए थी। और ये ऑडियो वाली बुक है, तो इसमें जो साइड में आपको सिंबल जो है ना सारे एनिमल के, तो वो उस पर आप क्लिक करोगे तो एनिमल का साउंड आता है उससे। और देखिए इसमें ना ऐसा है कि मतलब आप बच्चे को ना, छोटा बच्चा है तो आप उसको जू के जैसे जैसे घुमाते हैं ना किधर, तो आप वो ट्रैवल करा सकते हो उनको साउंड देकर और पेज टर्न करके, तो उनको लगेगा वो कहीं घूम के आए हैं, बुक थ्रू कर सकते हो। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मैं ये अभी करवा रही हूँ, ये बुक मंगा के मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो गए, तो अब इनको मैं यूज़ कर रही हूँ और ये अच्छा काम कर रहा है। ये बुक के पीछे है ना एक बटन है जिसको आप ऑन ऑफ करोगे, अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये सिंबल पे क्लिक करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, और वहाँ से ऑन रहेगा तो यहाँ पे आवाज़ आएगी। तो ये हो गई फर्स्ट बुक। सेकंड, मैंने ये पपेट बुक ली है मंकी वाली, तो इसमें ना पीछे फिंगर पपेट है, पीछे उसके फिंगर मंकी का जो पपेट है उसमें फिंगर डाल के, और आप बच्चे को स्टोरी टेल कर सकते हो, मतलब उनको ना लाइव वाली फीलिंग आएगी, लाइक उनको लगेगा सच में लाइव मंकी है और वो बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। सो ये कम्युनिकेशन डेवलप के लिए बहुत अच्छा है ये आइडिया। फिर मैंने उसके लिए दूसरी ये स्नेल वाली है। स्नेल वाली बुक का क्या है, छोटा है, पॉकेट बुक है वो, तो आप ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हो, अगर कहीं जा रहे हो बच्चे रास्ते में बोर होंगे तो आप उनको थोड़े टाइम के लिए एंटरटेन करने के लिए स्टोरी उनको सुना सकते हो। और ये भी फिंगर पपेट वाली है और ये भी बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसमें थी उसकी मॉम गुम, स्नेल की मम्मी गुम हो गई थी तो उसके ऊपर स्टोरी थी। देन ये बुक मैंने लिया है प्रिंस हाउस का, ये एक्टिविटी बुक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बेस्ड है डेली लाइफ एक्टिविटी पे और ये प्री ऑर्डर पे बनाया था उसने, 10 डेज लग गए थे। सो इसमें कैसा है ना, आप सेम टू सेम कॉपी करना होता है ना, तो ये आप मॉडल चेंज करो उसके अकॉर्डिंगली, आप उसको कपड़े पहनाओ, इसमें डिफरेंट साइड में पिक्चर जो दी हुई ना वो डिफरेंट क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो आप वो पिक्चर चेंज करो उसके हिसाब से कपड़े शू, तो इससे क्या होगा ना, बच्चा कॉपी करना सीख रहा है, इमिटेट करना सीख रहा है और स्टाइलिंग भी आ रही है उनको डेली लाइफ में, कैसे उनको रेडी होना है। और इसमें ना नेक्स्ट पेज में एक्टिविटी है रिलेटेड, किचन में कैसे खाना बनता है, खाना कैसे खाते हैं, बात कैसे लेते हैं, सोने का नाइट जो रूटीन है वो, तो वो सब है इसमें। ये मॉडल जो है ना वो बुकरम है, इस पर आप निकाल सकते हो, चिपका सकते हो, रख सकते हो। देखो ये बेड टाइम का है, बेड टाइम पे आप क्या कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, लिविंग रूम का स्पेस बनाया हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, वैसे तो मेरा बेटा भी ये सब कर लेता है, बट ये मोबाइल देने से अच्छा है कि आप बच्चे को ये दो जिसमें बच्चा अपने डॉल के साथ खेल रहा है, इट्स लाइक डॉल को रेडी करना उसकी डेली एक्टिविटीज़ पे, सो उसको धीरे धीरे अपने आप पे सेल्फ केयर करने पे भी ध्यान जाएगा। सो ये एक बुक थी। और उसके बाद मैंने ये मंगाया था वॉबली टूथ, ये मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है, ना ही मैंने उसको पढ़ाया है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकती, बट आई थिंक ये टीथ के ऊपर है, मतलब अपने जो अपना ओरल केयर है ना उसके ऊपर है, तो ये अभी मैं पढ़ूंगी, तो लेटर जब भी मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तो उसमें मैं अगर आपका इसका फीडबैक होगा तो ऐड कर दूंगी। और ये भी स्टोरी बुक है, ये भी अभी मैंने उसको नहीं पढ़ाई है, ये दो बुक अभी उसको पढ़ानी बाकी है मुझे,
अलादीन वाला, ये वही अलादीन का चिराग है, तो ये भी अच्छी बुक है, इसको भी मुझे अभी पढ़ाना बाकी है। तीन बुक नहीं पढ़ाई है मैंने उसको, बाकी वो डेली एक्टिविटी वाला बुक और वो फार्म वाला बुक यूज़ कर रहा है वो। और फ्रेडा इज़ फाउंड, ये इसमें ना बच्ची गुम जाती है, उसके ऊपर है स्टोरी। तो ये बच्चों को ना अवेयर करने के लिए कि हमको मिसप्लेस हो सकते हैं, हम साथ में जाना चाहिए, स्टोरी थ्रू आप उनको ये सुना सकते हो और सिखा सकते हो ये चीज़ें। ये बुक मैंने पढ़ाई है मेजी का तीन बुक था, पूरा सीरीज था इसका, मैंने तीन चार बुक था, तो इसमें से मैंने उसको एक पढ़ाई है अभी फिलहाल, जिसपे हॉस्पिटल का है, मतलब वाली स्टोरी है, इसमें गिर जाता है ट्रेम्पोलिन पे जंप करते हुए और हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसमें वो बताया गया कि हमको अलर्ट रहना चाहिए, संभाल के खेलना चाहिए, हम गिर जाते तो फिर हमारा कैसे क्या प्रोसेस होता है, हॉस्पिटल जाना, एक्सरे, बहुत सारी चीज़। तो मतलब ये सब ना कम्युनिकेशन बेस पे बच्चों को उस पर डेवलप होता है, उनकी नॉलेज बढ़ती है इन सब चीज़ों में, कि जो सोशल चीज़ ये जो है हॉस्पिटल, उसका प्रोसेस, डॉक्टर। सो फियर भी अगर बच्चों में होता है ना, तो फियर भी आउट होता है, डर कम होता है धीरे धीरे, अगर उनको अवेयरनेस होती है चीज़ों की। तो और ये वर्ल्ड वाली बुक भी अभी बाकी है, इसमें तो वो सब बता ही रहा है, सारे बोर्ड के नाम भी बता रहा है वो मुझे। अच्छी बुक है बाबू, नाइस बुक है, अच्छा लगा हो और आप अपना ख्याल दिखाई इस वीडियो पे। इसका नेक्स्ट सीरीज भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी, मैंने और जो बुक ऑर्डर किए हुए हैं वो भी जल्दी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और ये कौन है बाबू? ये पेंगुइन है, और ये बेबी पेंगुइन है, बेबी पेंगुइन। और ये कौन है? ओ स्टू चाहिए बाबा रे बाबा। और ये पिकॉक है, और ये बर्ड है, पैरट है, पैरट। ये कौन है? उल्लू। इतने सारे बर्ड्स है ओजस, सो मेनी बर्ड्स। और एक ये सेट मैंने आपको बताऊंगी का भी, ये फाइव बुक का सेट है, रिलेटेड फ्रीडम फाइटर स्टोरीज, तो वो मैंने मंगाया। इस पे ये एक और भी था, फ्रीडम फाइटर का ही था, बट वो उनका लेसन था, उनके दिए हुए लेसन, वो मैंने अभी नहीं मंगाया, वो भी मैं मंगाऊंगी जल्दी ही। अच्छा एक बड़ा रुको, एक चीज़ इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे पीछे बटन है, ये ऑफ था तभी, इसको ऑन करना रहता है, और ऑन करने के बाद जब आप पेज खोलोगे तो एलिफेंट का पेज खोल के एलिफेंट वाली आवाज है। बाय बाय। आपको अच्छा लगा?